हापुड़ में दबंगों ने दिखाई एक गरीब परिवार पर दबंगई, किया जानलेवा हमला। प्रार्थी अंजू पत्नी आरिफ निवासी मोती कॉलोनी नूरानी मस्जिद हापुड़, इनके अपने ही घर में एक छोटी सी परचून की है जिससे वह अपना गुजर बसर करते हैं। इन्हीं के पड़ोस में रहने वाले सलमान पुत्र शाहिद व परवेज पुत्र शाहिद अपने उनके पिता शाहिद पुत्र कर्म इलाही निवासी मोती कॉलोनी नूरानी मस्जिद हापुड़ है। इन्होंने इनकी दुकान से उधार सामान ले लिया व उधार के पैसे मांगने पर गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। कहने लगे कि जा तू पुलिस को बुला ले, पुलिस हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती। पीड़ित ने जान नज़दीकी पुलिस चौकी में तहरीर कर दी है। पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सिकंदर गेट चौकी का मामला आलम टाइगर की खास रिपोर्ट दिखी है। क्या नाम आपका? अंजुम। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ, हम परचून की दुकान कर रहे हैं, छोटी सी दुकान है हमारी, बच्चों की चीज़ रख रखी है हमने। अपने बच्चों की चीज़ दिलवाने को आया, मैंने उससे 100 रुपये मांगे, मैं पैसे हमारे दे दे, तो वो ना मुझसे बदतमीजी करने लगा। और बदतमीजी के बाद उसका भैया निकल कर आया। आपने 100 रुपये किस चीज़ के मांगे? मैंने चीज़ के मांगे 100 रुपये, मैं हमारी चीज़ के 100 रुपये, भैया हमारा सेलमैन आएगा तो हमारे पैसे दे दे, तो वो गाली गुफ्तार करने लगा। पैसे उनको उधार थे क्या? नहीं, चीज़ के उधार थे पैसे हमारे, हमारे चीज़ के उधार थे पैसे, तो वो हमारे से चीज़ के पैसे मांग रही, तो वो बोला ना क्या पैसे, वो गाली गुफ्तार करने लगा। फिर इस बात पर, फिर इतनी बात पर गाली गुफ्तार पर उसका भैया आ गया, परवेज सलमान से पैसे मांग रही थी मैं, फिर परवेज आ गया, परवेज साहित का लड़का, तो मैंने वो एकदम उनने सुनी नहीं किसी की भी, उनने ऐसी ऐसी गाली बकी, ऐसी ऐसी गाली बकी, बहुत बहुत गाली बकी, और छुरी चक्कू ले लेकर और दो दो घर कूद गया। मतलब इतनी इतनी उसने बेइज्जती करी, इतनी करी, बहुत ज़्यादा, मेरा गिरवान तक पकड़ा। अच्छा, आपका गिरवान भी पकड़ा? जी, मेरा गिरवान तक पकड़ा उसने। गिरवान किसने पकड़ा आपका? परवेज ने। अनुकारा हमारा करेगी क्या, हमारा हम पे इतना पैसा है, हम पे इतना पैसा, हमारा करेगी क्या, तुम गरीब लोग हो, हम मालदार हैं। वो क्या कारोबार करते हैं? वो भैंस बेचे हैं। अच्छा, और भैंस कटवा में, भैंस कटवाते हैं जी, भैंस कटवा में भैंस बेचे हैं। उनको कोई लाइसेंस है भैंस कटवाने का? नहीं नहीं, कुछ लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसे कटाते बिना परमिशन? जी जी, अजीजपुर के रहने वाले, यहाँ पर रहने लगे, हमारे पड़ोस में रहना है। आपने इसकी शिकायत कहाँ पर की है? सिकंदर गेट पुलिस चौकी पे। अच्छा, तो पुलिस चौकी से आपको क्या आश्वासन दिया पुलिस वालों ने? उन्होंने वो आए हमारे साथ, उन्होंने इनसे कही तुम चौकी में आ जाना, ये अभी तक नहीं पहुँचे वहाँ पर, और बदमाशी दिखावा है मेरा आदमी, हम अकेले रहना है, बदमाशी दिखावा है मेरा आदमी को, उनको जाना ये अकेला है करेगा क्या हमारा, हम गरीब आदमी हैं। पुलिस वालों ने आपका सहयोग करा? हाँ, उन्होंने बिचारों ने, वो आए वो हमारे साथ और उनसे कह के गए, हमें कह के गए तुम अपने किवाड़ लगा लो, हमने किवाड़ लगा लिया अपने।